आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं बांदीपुर के टाइगर रिजर्व में। ये मैसूर से करीबन 72 किलोमीटर दूर है और ऊटी से 41 किलोमीटर दूर है और रोड बहुत अच्छा है। देखिए, कर्नाटक के सड़कें बहुत अच्छी हैं और ड्राइवर यहाँ पर बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं। और कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। देखिए, गेट आ गया है और गेट के पास में ही इसका बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। देखिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व का बोर्ड दिखाई दे रहा है और इसी रास्ते से हम इस रिजर्व के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और ये देखिए, जंगल यहाँ पर शुरू हो गया है, घना जंगल है। और ये दोनों रोड ही बांदीपुर के अंदर जाते हैं जो कि घूम के वापस आता है। हम कुछ कारों के पीछे चल रहे हैं, ये भी बांदीपुर रिजर्व में ही जा रहे हैं। और ये देखिए, इसका जो है कि हेड ऑफिस आ गया है। कुछ यहाँ पर हमको कॉटेज भी दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, सामने दिखाई दे रहा है, ये टिकट काउंटर है। और ये जो कार जो हमें छोड़ने आई थी, ये चली गई है ऊटी के लिए, हम दूसरी कार से जाने वाले हैं। और यहाँ देखिए ज़रा आसपास का नज़ारा, देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा है और एकदम साफ़ सुथरा। ये यहाँ पर कैंटीन है और ये है हमारा कमरा जिसमें हम ठहरेंगे। ये है वनश्री वन, इसका नाम है कमरे का। और कमरा भी आपको अंदर से दिखा दें कैसा है कमरा। अंदर घुसते से ही थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि यहाँ पर जानवरों के सिर लगे हुए हैं। और ये देखिए, एक कोई भैंसा, जंगली भैंसा जो है, उसका भी एक सिर लगा हुआ है, बड़ा ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। और ये रूम आपको दिखा दें, अच्छा खासा रूम है यहाँ पर, जंगल के हिसाब से तो बहुत अच्छा रूम है। वाशरूम भी आप देख लीजिए अगर आप देखना चाहें, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पर जंगल के हिसाब से ठीक है। ये सामने कैंटीन की तरफ हम चल रहे हैं, देखते हैं क्या है, कुछ खाने पीने कुछ मिलेगा क्योंकि काफ़ी सफ़र करके आए तो भूख तो लगी हुई है। और ये कैंटीन भी अच्छा दिख रहा है, अंदर जाके देखते हैं तो कुछ खाने पीने की तस्वीरें लगी हुई हैं और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर अंदर। ऐसा लग रहा है जंगल में मंगल हो रहा है। और खाना भी अच्छा खासा मिला हमें और काफ़ी सही रेट में मिला। और ये देखिए, रास्ते में कुछ और बंदर और जानवर आसपास ही दिखते हैं। ये है बांदीपुर के टिकट काउंटर का ऑफिस, यहाँ पर से आप टिकट ले सकते हैं सफारी में जाने का। और ये काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, अभी सफारी के टिकट मिलना शुरू नहीं हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जीप सफारी ले लें और लाइन में लगे हुए हैं। और सफारी भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और बहुत ही मज़े ले सकते हैं आप। एक रात यहाँ पर रुक के आप आसपास, हमने देखा कि बंदर आपके हाथ में कुछ भी खाने की चीज़ें छीन के खा लेते हैं। देखिए, आइसक्रीम छीन के खा ली किसी की। और बाहर निकले तो ध्यान रखिए, आपके हाथ में खाने का कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर पहला हक जानवरों का है। ये है सफारी की जीप जिसमें हम जाएंगे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व वालों का शोरूम है, उसमें से मैंने ये जैकेट खरीदी है और कैप भी वहीं से खरीदी है, चीप रेट्स में और अच्छी क्वालिटी में ये जैकेट्स मिल जाती हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। और ये ऊटी से कोई 60 किलोमीटर है और मैसूर से भी करीबन 100-125 किलोमीटर है, कुछ ज़्यादा मेरे को पक्का पता नहीं है। मेरी सफारी आ गई है और मैं उसमें जाने वाला हूँ। और ये देखिए कि यहाँ पर ये टिकट रिजर्वेशन काउंटर है मेरे पीछे, इस जीप के पीछे जो दिख रहा है टिकट रिजर्वेशन काउंटर है। यहाँ से आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं, 250+100-350 रुपये का एक आदमी का टिकट पड़ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और अगर आप जीप लेना चाहें तो 3000 रुपये की जीप है। और देखिए, आइए मज़ा लेते हैं क्या होता है। देखिए, हम सफारी में जा रहे हैं, सफारी की दो बसें आ रही हैं, देखिए सामने देखिए। अनफॉर्चुनेटली हमको जीप तो नहीं मिली है तो हमें ये बस मिल गई है। अब चलिए इस बस में सफारी करते हैं और देखते हैं क्या दिखता है हमें, आइए। तो दोस्तों, लकीली हमें विंडो सीट मिल गई है, देखिए 9 नंबर सीट मुझे मिल गई है, कैमरा देख रहे भाई थोड़ा सा, 9 नंबर सीट मिल गई है। तो आइए देखते हैं, अगर लकी होते हैं हमें तो कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। थोड़े कुछ 15-20 मिनटों में ही किस्त क्लियर हो जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए, हमारी बस चल दी जंगल की तरफ और ये जंगल का मानचित्र मतलब नेप भी यहाँ लगा हुआ है। और अंदर घुसते से हमें कुछ बंदर और कुछ जानवरों ने हमारा स्वागत किया और कुछ दौड़ते हुए हिरणों ने हमें लुभाया। और ये देखिए, यहाँ हिरण काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और आपको बिल्कुल हर दूसरे मिनट आपको हिरण दिखाई देंगे। और कुछ काले मुंह के बंदर जिनके हमने फ़ोटो लिए। और ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, भले काले मुंह के हुए तो क्या हुआ। हमारे आगे एक जीप चल रही थी, वो उसका भी हमने फ़ोटो ले लिया। और ये जंगल में हिरणों के साथ मोर भी हमें बहुत से मिले और हिरण तो बिल्कुल यहाँ वहाँ चढ़ते हुए दौड़ते हुए बिल्कुल नेचुरली मिल रहे हैं। मोर भी उनके साथ भी काफ़ी मिले उन, और ये मोर मोरनी का देखिए फ़ोटो एक साथ, और एक बगुला जो कि मछलियों की ताक में इधर उधर घूमता हुआ। और ये देखिए कि फिर मोर और हिरण एक साथ आ गए और मोर नाचता हुआ दिख रहा है। देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये देखिए हम कह सकते हैं हमने देखा। देखिए कितने शानदार तरीके से हिरणों के बीच में मोर नाच रहा है। और ये बस चल दिया नाच के और कुछ फ़ोटो हमने और लिए उनके। और आगे हम जब चले, हमारी गाड़ी आगे चली तो हमने देखा कटे हुए पेड़ के ऊपर एक मोर खड़ा हुआ है, बिल्कुल इस तरह से खड़ा हुआ है जैसे अपना फ़ोटो खिंचवाना चाहता हो।
तो कोई बात नहीं, अगर उसकी इच्छा है तो हमने उसके कुछ फ़ोटो भी लिए, देखिए काफ़ी अच्छे फ़ोटो हमें मिले और कितने शान से खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहा है, हम भी नहीं खिंचवा सकते इतने अच्छे फ़ोटो तो। और देखिए आगे चलते हैं, देखिए मोर को गुड बाय करते हुए, फिर कभी मिलेंगे दोबारा आएंगे तो। और फिर हमें बारहसिंगा दिखा, बारहसिंगा शान से जाता हुआ और आसपास छोटे मोटे हिरण उसके दौड़ते हुए। और देखिए कितने खूबसूरत पेड़ इस जंगल में दिखाई दे रहे हैं, जंगल बेहद खूबसूरत है बांदीपुर का, कर्नाटक का। कुछ लोगों ने गड्ढे भी करे हैं जानवर को पकड़ने के लिए, लोगों को हम नहीं समझ सकते सभी को, कुछ कटे पेड़ लोग काट के ले जाते हैं। ये देखिए पानी का एक तालाब दिख रहा है, यहाँ पर जानवर पानी पीने आते हैं और यहीं पर है ना हमें जानवर देखने का मौका मिलता है। तो हम कुछ देर जानवरों की ताक में इधर उधर देखते हुए, तो कुछ जानवर ज़्यादातर तो हमें हिरण ही मिले और हम तो खास टाइगर की तलाश में हैं। और ये देखिए हमें इस लगता टाइगर दिख गया है, सब लोग एकदम बस में हैरान परेशान हो गए हैं और मतलब कि अचंभित हो गए हैं, और शायद टाइगर ही है। हाँ बिल्कुल टाइगर है, काफ़ी दूर है, मैं इसे झूम करने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए टाइगर है और कितना खूबसूरत टाइगर है, बिल्कुल शान से बैठा हुआ, अपनी पूरी आन बान शान के साथ, जंगल का राजा है इसलिए इसे कहते हैं। और ये देखिए कितने आराम से हमें देख रहा है और बिल्कुल हम लोगों को बड़े आराम से दिखाई दे रहा है, सब लोगों ने जी भर के इसे देखा है। और ये धीरे से देखिए उठा, क्योंकि इसका मन भर गया, ज़्यादा फ़ोटो खिंचाने का उसका मूड नहीं है, क्योंकि लोग धड़ाधड़ फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। और ये धीरे से उठा, टाइगर नहीं केब है, उसका बच्चा है। और ये धीरे से अंदर जाता हुआ झाड़ियों में, क्योंकि अब उसको फ़ोटो खिंचाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। और पर हमारी सफारी यहाँ सफल हो गई और हमने कुछ और भी फ़ोटो यहाँ पे जानवरों की खींचे। और देखिए एक बार मोर फिर नाचता हुआ हमको दिख गया, इस बार अकेला है और देखिए पूरे पंख फैलाए हुए हैं, बिल्कुल शान से पंख फैला के चारों तरफ घूम रहा है और अकेला नाच रहा है, और हमने बहुत अच्छे से उसको देखा। और ये फिर देखिए हिरणों का झुंड एक बार फिर हमारी बस के पास में आ गया, और ये काफ़ी सुनहरे हिरण जिसको कहा जाता है गोल्डन। और ये देखिए हमको मंगूस दिखा है, बिल्कुल अपने खाने की तलाश में, इधर उधर कुछ शायद छोटे मोटे कीड़े या चींटियों की तलाश में, और देखिए बड़े शान से इधर उधर घूम रहा है, कोई डर नहीं इसको, बड़े मज़े से घूम रहा है, अपना खाना तलाश रहा है, इसको बिल्कुल फिक्र नहीं कि हम लोग इसके इतनी पास में खड़े हुए इसकी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। और देखिए कुछ मिल गया इसको खाते हुए, और बस इतना ही, हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर और देखते हैं और जानवरों को कौन कौन दिखाई देता है। और ये फिर से हमें हिरणों का झुंड, और ये बारहसिंगा शान से बैठा हुआ, देखिए हमने इसका फ़ोटो भी लिया। और आगे चले तो फिर हमें एक मोर दिखाई दिया, बेहद खूबसूरत मोर और बहुत ही अकड़ के बैठा हुआ था, और ये हमको देखते से ही चल दिया, हमने फ़ोटो खींचना शुरू करे, शायद मूड में नहीं था हम लोगों के पास आने के, और आराम से चलता हुआ जा रहा है और हम भी जा रहे हैं इसको बाय करते हुए। और ये फिर हम जंगलों में चले आगे, और ये देखिए हमें अचानक एकदम किसी ने कहा टाइगर, और एक नहीं दो नहीं तीन टाइगर, लेकिन घबराहट के मारे हमारा कैमरा बिगड़ गया, क्योंकि सब लोगों में धक्का मुक्की हो गई इसको देखने के लिए, और ड्राइवर ने भी सबको बैठ जाने के लिए कहा, लेकिन एकदम बस में पूरा अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि तीन टाइगर वो भी दौड़ते हुए आसपास दौड़ते हुए, और हम लोगों ने अपनी बस को पीछे किया, और हमारे आगे की जीप चल रही थी, उसको जीप को भी ना बस वाले ने बोला कि वही पीछे लेके आओ, क्योंकि तीन टाइगर हैं और जो कि खतरनाक हो सकते हैं, अगर बस खुली जीप है तो जीप के लिए बड़े खतरनाक हो सकते। तो जीप वाले ने फौरन जीप अपने पीछे ली और वो टाइगर पेड़ों के पीछे चले गए, झाड़ियों के पीछे भी चले गए एक दो टाइगर, और हम आ गए वापस सफारी को ख़त्म करते हुए। और यहाँ हमने कुछ जानवरों के फ़ोटो लिए, कुछ बंदरों के फ़ोटो लिए, और बंदरों को कुछ खाने पीने दिया, और उन्होंने बंदरों ने बड़े शौक से और बड़े बड़े मज़े ले लेके उनको खाया। और ये देखिए फिर हमने जाते जाते अपने कमरे के और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के कुछ फ़ोटोज़ लिए, और बड़ा अच्छा माहौल था, हल्की सी ठंड थी, सुबह का लाइट थी, कितना बढ़िया लग रहा था वहाँ पर, अपने कुछ फ़ोटो खिंचाते हुए हम वहाँ से चलने के पहले, और बहुत ही मज़ा आया बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। आप लोगों को समय मिले तो एक बार ज़रूर आइएगा, हमारे कमरे के बाहर ही बहुत सारे करीबन 100-125 हिरण तो हमारे कमरे के बाहर ही सो रहे थे, तो आप इस नज़ारे का आनंद लेने के लिए एक बार बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ज़रूर आएँ। धन्यवाद।